किन्नर समुदाय खुद को मंगलमुखी मानते हैं, इसलिए ही ये लोग बरसाती, जन्म समारोह जैसे मांगलिक कामों में ही भाग लेते हैं। मरने के बाद भी ये लोग मातम नहीं मनाते, बल्कि ये खुश होते हैं कि इस जन्म से पीछा छूट गया। महाभारत में अज्ञातवास के दौरान अर्जुन ने विहनला नाम के एक विचरे का रूप धारण किया था। उन्होंने उत्तरा को नृत्य और गायन की शिक्षा भी दी थी। किन्नर अपने आराध्य देव अरावन से साल में एक बार विवाह करते हैं। हालांकि यह विवाह मात्र एक दिन के लिए ही होता है। अगले दिन अरावन देवता की मौत के साथ ही उनका वैवाहिक जीवन खत्म हो जाता है। किन्नरों की जब मौत होती है तो उसे किसी गैर किन्नर को नहीं दिखाया जाता। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से मरने वाला अगले जन्म में भी किन्नर ही पैदा होगा। किन्नर मुर्दे को जलाते नहीं बल्कि उसे दफनाते हैं। किन्नर की दुआएं किसी भी व्यक्ति के बुरे समय को दूर कर सकती है। धन लाभ चाहते हैं तो किसी किन्नर से एक सिक्का लेकर पर्स में रखें। ज्योतिष के अनुसार वीर्य की अधिकता से पुरुष उत्पन्न होता है, रक्त की अधिकता से स्त्री उत्पन्न होती है। वीर्य और राज समान हो तो किन्नर संतान उत्पन्न होती है। किसी नए व्यक्ति को लेकर किन्नर समाज में शामिल करने के भी नियम है। इसके लिए कई रीति रिवाज है जिनका पालन किया जाता है। नए किन्नर को शामिल करने से पहले नाच गाना और सामूहिक भोज होता है। किन्नर समाज की सबसे बड़ी विशेषता है, मरने के बाद ये मातम नहीं मनाते। किन्नर समाज में मान्यता है कि मरने के बाद इस नरक रूपी जीवन से छुटकारा मिल जाता है, इसलिए मरने के बाद हम खुशी मनाते हैं। ये लोग स्वयं के पैसों से कई दान कार्य भी करवाते हैं ताकि पुनः उन्हें इस रूप में पैदा ना होना पड़े। हिजड़ों की शव यात्राएँ रात्रि को निकाली जाती है। शव यात्रा को उठाने से पूर्व जूतों चप्पलों से पीटा जाता है। किन्नर के मरने उपरांत पूरा हिजड़ा समुदाय एक सप्ताह तक भूखा रहता है। आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट में